नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 11th, आज का अपना टॉपिक है ज्वार भाटा एवं उत्पत्ति के कारण। यानी आज अपने ज्वार भाटा और उसकी उत्पत्ति के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्वार भाटा का अर्थ समझेंगे कि ज्वार भाटा से क्या अभिप्राय है। ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण, चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक या दो बार समुद्र तल के उठने नियतकालिक उठने या गिरने समुद्र तल के नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ज्वार भाटा क्या होता है? जो समुद्रों के अंदर जल विद्यमान है उन पे किसका आकर्षण होता है? एक तो चंद्रमा का और सूर्य का। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार जो समुद्र तल है, जो समुद्र की सतह है, उसका नियतकालिक यानी नियत समय में जो जल है वो समुद्र तल से दिन में एक बार दो बार ऊपर उठता है, एक दो बार नीचे गिरता है। जो ऊपर समुद्र जो जल है उसके ऊपर उठने और नीचे गिरने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा क्या होता है? चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक या दो बार समुद्र तल के नियतकालिक यानी उठने या गिरने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं। अब अपने इसके कारण पढ़ेंगे कि ये जो ज्वार भाटा है उसकी उत्पत्ति के कारण क्या है। यानी ये समुद्र जो जल है उसके अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया होने के कारण क्या है, उन कारणों को समझेंगे। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पहला ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ सीमा तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा। दूसरा क्या है? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण क्या है? जो समुद्र का जल है दिन में दो बार ऊपर उठता है, दो बार नीचे गिरता है, ऐसी प्रक्रिया होती है। दूसरा इसके बाद में है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल
दोनों मिलकर पृथ्वी पर जारा ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ जाने वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। यानी एक तरफ क्या होता है ज्वार, एक तरफ क्या होता है भाटा। यानी ये ज्वार और भाटा क्या है, जल के ऊपर उठने या गिरने को, ठीक है, जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा, ये अपकेंद्रीय बल के कारण ही ऐसा संभव होता है। इसके बाद में ज्वार उत्पन्न करने वाले बल तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण अपकेंद्र बल के बीच का अंतर है। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीयकरण बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसी कारण यह बल चंद्रमा की तरफ ज्वारीय उभार का कारण है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या है पृथ्वी है, ये क्या है पृथ्वी है, इसके बाद में ये जो होता है ये ज्वारीय उभार, ज्वारीय उभार यानी समुद्र। इस पृथ्वी पे सात महासागर हैं, ठीक है, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र है तो इसमें जो ज्वारीय उभार आते हैं, तो ऐसी स्थिति बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसके बाद में एक क्या बनता है चंद्रमा, सूर्य, इसके बाद में इधर क्या होता है चंद्रमा, इधर सूर्य और चंद्रमा सूर्य। और एक स्थिति होती है इसका उभार, ये पृथ्वी, ये भी ज्वारीय उभार है। एक इस प्रकार ये भी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। महासागरीय सागरीय भागों में जहां महाद्वीप मगन तट अपेक्षाकृत विस्तृत है, वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वार उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो उनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नद व खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं को तीव्रता को प्रभावित करती है। शंकवाकार खाड़ी ज्वार के परिमाण को आश्चर्यजनक ढंग से परिवर्तित कर देती है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। तो इस प्रकार क्या है ज्वार भाटा एवं उत्पत्ति के कारण, इसमें जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उसके तीन मुख्य कारण हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण और अपकेंद्रीय बल के कारण क्या है ये ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। और पृथ्वी पे ये ज्वारीय आभार इन रूपों में आता है, तो इनका अलग अलग जो प्रभाव है सूर्य चंद्रमा का, ठीक है, वो समुद्रों पे देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है इसके अंदर ज्वार आते हैं, भाटा आते हैं, जो समुद्रों का जल है वो ऊपर उठता है, कभी नीचे गिरता है। ऐसी क्रिया दिन में एक दो बार नियतकालिक समय में देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, हमने ज्वार भाटा एवं उत्पत्ति के कारण पढ़े, ज्वार भाटा कारण हमने पढ़े। इसके बाद में अपने जो ज्वार होते हैं, ज्वार भाटा होते हैं, उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है अपना ज्वार भाटा के प्रकार, यानी हमने ज्वार भाटा का अर्थ समझा, ज्वार भाटा के उत्पत्ति के कारण समझे। इसके बाद में अपने समझते हैं ज्वार भाटा के प्रकार, यानी जो ज्वार भाटा होता है इसके प्रकारों के बारे में अपने पढ़ेंगे। ज्वार की आवर्ती दिशा एवं गति, ज्वार की आवर्ती
गति और दिशा, यानी ज्वार की जो आवृत्ति है, किस गति से ज्वार आते हैं, किस दिशा में आते हैं, उससे संबंधित और सामयिक भिन्नता, सामयिक भिन्नता, सामयिक भिन्नता ये हमें ज्वार भाटा में देखने को मिलती है। यानी क्या क्या तथ्य हमें ज्वार भाटा में देखने को मिलते हैं, ज्वार की आवृत्ति क्या है, गति क्या है, जो संचलन है ज्वार का, और दिशा और सामयिक जो भिन्नता पाई जाती है अलग अलग जो क्षेत्रों में, ठीक है, ज्वार जो उत्पन्न होते हैं तो उनकी जो भिन्नता है वो क्या होती है, किस दिशा में ये चलते हैं, गति क्या होती है इनकी, और कितनी आवृत्ति को ये घेर लेते हैं, ये सब बातें अपने पढ़ेंगे। ज्वार भाटाओं की उनकी बारंबारता, ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता व ऊंचाई के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया, यानी जो ज्वार होते हैं उनकी बारंबारता और ऊंचाई के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उन प्रकारों को अपने पढ़ेंगे। इसमें पहला जो ज्वार है वो कौन सा होता है, अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार क्या होते हैं इससे संबंधित अपने पढ़ते हैं। यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है, क्या है, सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया, सबसे सामान्य ज्वार आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और इसके अंतर्गत प्रतिदिन दो उच्च एवं दो निम्न ज्वार आते हैं। क्या आते हैं, दो तो क्या आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं, और दो क्या आते हैं, निम्न ज्वार आते हैं। इनको क्या बोला जाता है, अर्ध दैनिक ज्वार बोला जाता है, और ज्वार की ऊंचाई लगभग क्या होती है, एक समान होती है, क्या होती है, एक समान होती है। तो समझे, ये अर्ध दैनिक ज्वार होते हैं, ये समुद्र में क्या है, सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया। इसमें दिन में दो ज्वार उत्पन्न होते हैं, दो तो उच्च ज्वार आते हैं और दो क्या आते हैं, निम्न ज्वार होते हैं। इनकी ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। ये दैनिक अर्ध दैनिक ज्वार आते हैं, उनकी विशेषता है। दूसरा है दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार यानी जो रोज ज्वार उत्पन्न होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। दूसरा प्रकार है दैनिक ज्वार, इनमें क्या होता है, एक उच्च ज्वार आता है और एक निम्न ज्वार आता है। इनमें क्या होता है, एक ज्वार तो उच्च उत्पन्न होता है समुद्रों में, एक क्या होता है, निम्न उत्पन्न होता है, और इसमें उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है, इसमें भी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तीसरा जो ज्वार है वो है मिश्रित ज्वार, मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार क्या होते हैं, इस प्रकार के ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है मिश्रित ज्वार भाटा कहलाते हैं। यानी ज्वार आते हैं लेकिन उनकी जो ऊंचाई होती है
अलग अलग ऊंचाई के ज्वार आते हैं, ऊंचाई को लेकर क्या पाई जाती है इसमें, भिन्नता पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित ज्वार कहलाते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा सामान्य रूप से उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट और प्रशांत महासागर के अनेक द्वीप समूह में पाया जाता है। कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट, उत्तरी अमेरिका पश्चिम तट और प्रशांत महासागर के द्वीप समूह में इस प्रकार के जो ज्वार हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार, यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार कौन कौन से होते हैं। उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। इस वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के ज्वार आते हैं, तो पहला कौन सा आता है इस पे आधारित है, इस पे आधारित पहला ज्वार आता है वृहत ज्वार। वृहत ज्वार दूसरा इसमें आता है निम्न ज्वार, यानी ये क्या है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी पे आधारित ज्वार होते हैं वृहत ज्वार और निम्न ज्वार। तो जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, ये क्या होते हैं, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है, तीनों पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा ये तीनों जब एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है, तब इसका प्रभाव है जो इस पे पड़ता है। और इस प्रकार की स्थिति महीने में दो बार, ठीक है, बनती है, एक तो पूर्णिमा के दिन और एक क्या बनती है, अमावस्या के दिन। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा क्या है, एक सीधी सरल रेखा के रूप में होते हैं। दूसरा जो निम्न ज्वार है, ये मध्य सात दिन का अंतर होता है इसमें। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सूर्य चंद्रमा ये तीनों क्या होते हैं, समकोण पर होते हैं, तब निम्न ज्वार आते हैं। तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल में एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण दोगुने से अधिक होते हुए यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है, ज्वार भाटा के जो प्रकार हैं वो पड़े, ज्वार की आवृत्ति, गति, दिशा, सामाजिक भिन्नता और ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता व ऊंचाई के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। पहला ज्वार है अर्धदैनिक ज्वार, ये सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया होती है। इसमें दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार एक समान ऊंचाई पाई जाती है। दैनिक ज्वार में एक उच्च ज्वार आता है, दिन में एक निम्न ज्वार आता है, ऊंचाई इसमें समान पाई जाती है। मिश्रित ज्वार में ऊंचाई भिन्नता, यानी ऊंचाई के आधार पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग ऊंचाई के क्या है, ज्वार आते हैं, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर के जो द्वीप समूह है वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के वृहत ज्वार आते हैं। वृहत ज्वार कब उत्पन्न होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक सरल रेखा के रूप में होते हैं। ये ऐसा दिन साल में दो बार होता है, वर्ष में दो बार, एक तो पूर्णिमा के दिन होता है, एक क्या होता है, अमावस्या के दिन होता है। और दूसरा जो निम्न ज्वार आता है उसमें क्या स्थिति होती है, ये एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं और गुरुत्वीय बल के कारण क्या है, निम्न ज्वारों की स्थिति बनती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ज्वार भाटा का अर्थ और ज्वार भाटा के उत्पत्ति के कारण और ज्वार भाटा के प्रकारों के बारे में अपने चर्चा की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।